गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर मुख्य दीवान 14 और 15 नवंबर को होगा। बरेली। जगतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हर साल की भांति सेंट्रल गुरु पर्व कमेटी दिनांक 14 रात एवं 15 नवंबर 2024 दोपहर को बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान पर सेंट्रल गुरु पर्व एवं समूह सगत के सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे व कथावाचक समत को गुरबाणी कीर्तन से निहाल करेंगे। गुरु नानक साहिब केवल सिखों के ही नहीं अपितु समूचे जगत के गुरु है। उनके उपदेश किसी व्यक्ति विशेष या मजहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये कि आम जनमानस तक जो प्रोग्राम किए जाने हैं, बहुत बड़े स्तर पे इनकी तैयारियां की जा रही थी। काफ़ी समय से बरेली के सिख समाज की संगत, गुरुद्वारों के प्रधान, सेक्रेटरी, समाज का एक एक व्यक्ति इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहा है और सेंट्रल गुरुपुरब कमेटी की तरफ से सभी का धन्यवाद है जिन्होंने अपना कोई भी अंश इस प्रोग्राम को सफल करने में दिया है। प्रोग्राम 14 तारीख को और 15 तारीख को इसी स्थान पर होंगे, जिसमें 14 तारीख को विशेष दीवान होता है शाम का, जो तकरीबन शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से और तकरीबन रात को 11 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे, जिसमें विभिन्न जो कीर्तनी जत्थे आएंगे वो गुरबाणी जस गायन करेंगे। इसके अलावा जो प्रचारक आएंगे गुरु नानक साहब के सिद्धांत आम जनमानस संगत तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हम चाहते हैं कि मीडिया इसमें अपना योगदान दे और इस प्रोग्राम को बेहतरीन कवरेज दे उससे पहले ही, ताकि लोगों को इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी अधिक से अधिक लोग आए। 14 तारीख का कार्यक्रम है उसमें आतिशबाजी का भी कार्यक्रम, उसमें आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पर खुले लंगर चलेंगे और खुले लंगर चलेंगे, सभी लोग यहाँ पर शाम को कीर्तन सुनने के बाद गुरु का लंगर छक कर अपने घर पे जाएंगे। 15 तारीख को सवेरे 8 बजे दीवान शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गुरु साहब की सवारी आती है, सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो सवारी आती है बड़ी शान और शौकत से आती है, बड़े प्रेम से आती है। उसके बाद यहाँ पर कीर्तन शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है और कीर्तन लगातार चलता रहता है। विभिन्न जो यहाँ की संस्थाएं हैं, वो चाहे सिख मिशनरी कॉलेज है, चाहे अखंड कीर्तनी जत्था है या और बहुत